हेलो एवरीवन, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। जैसा आपने जाना था कि अब मॉब राउंड का लिस्ट आ चुका है, मतलब आपका मॉब राउंड के जितने भी कॉलेज बचे हैं उसका लिस्ट आ चुका है, आप देख लिए होंगे। ये नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर प्रीवियस वीडियो है, इसमें आप जाकर यहाँ पर सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारी चीज बता दिया है आप सबको, कितने कॉलेज बचे हुए हैं। ठीक है, इसमें आपको जाना है, यहाँ पर जाकर आप कॉलेज देख सकते हैं। तो ये हुई, और आगे आप जो है नर्सिंग से रिलेटेड जो मॉब राउंड है उसको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में भी जान सकते हैं, और साथ ही आपको जो कमेंट है उसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा बिजी हो गया था क्लास के दौरान, तो जितने भी कमेंट किए हैं सभी का रिप्लाई करूंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देख लीजिए, आपको इस प्रकार के सीजीडी में वेबसाइट पर आना है, और यहाँ पर देखेंगे कि आप नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए मॉब राउंड अप्लाई करना है। ठीक है, मॉब राउंड चॉइस फिलिंग क्या है, जितने भी जैसे 100 कॉलेज बचे हैं गवर्नमेंट कॉलेज, तो सभी को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। जितने जो लोग नर्सिंग काउंसिल के तहत रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं उन्हीं लोग को यहाँ पर आपका लॉगिन करके, स्टूडेंट लॉगिन करके आपने चॉइस फिलिंग जाके अपग्रेड करना है। ठीक है, और फिर उनको अप्लाई करना है दोबारा, और फिर उसको लॉक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर उनको करना है। ठीक है, और नए लोग जो नए रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अभी नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, पर आपका स्टूडेंट लॉगिन होगा डायरेक्ट, और उसी के थ्रू आपका जो है चॉइस फिलिंग का अपडेट करेंगे और उसी में आपको कॉलेज मिलेगा। और जो लोग जैसे जो लोग नए हैं, मतलब जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, उन लोग अभी वेट करेंगे। ठीक है, उन लोग अगर हो सकता है, अगर लिस्ट आएगा, अगर सीट बचता है, तो डेफिनेटली अगर सेकंड राउंड मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन होगा वेबसाइट तो कर सकते। मॉब राउंड में ये होता है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं नर्सिंग काउंसिल में, वो लोग यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। उनका सिंपली यूजर आईडी डालना है यहाँ पर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आपको पासवर्ड डालना है, जो रजिस्ट्रेशन किए हैं रजिस्ट्रेशन पासवर्ड मोबाइल में होगा, मोबाइल में यहाँ पर डालना है। कई लोगों का इनवैलिड बता रहा था, तो आप एक बार चेक कीजिए मोबाइल में, अच्छे से देखिए कि क्या आपका ही है वो, और उसके बाद यहाँ पर आके लॉगिन कीजिए, आपका डेफिनेटली होगा। ये तो यहाँ पर करने का प्रयास कीजिए आप, यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन, और यहाँ पर पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल करके साइन इन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे मतलब लोगों ने अपडेट कर दिया है, यहाँ पर ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो यहाँ पर जो चॉइस फिलिंग का जो मैं बताया था, पहले तो ये देख लो कि कॉलेज हमें कौन कौन सा कॉलेज देखना है। तो यहाँ पर आपका देखिए जारी कर दिया गया है, एमएससी, पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के लिए सभी के लिए यहाँ पर मॉब राउंड के लिए चॉइस फिलिंग नोटिस जारी किया कर दिया गया है। इस वाले मैं पीडीएफ में मतलब इस वाला पीडीएफ में सारा चीज आपको बताया था। तो यहाँ पर जाने के बाद इस पीडीएफ में आपको चले जाना है। इस पीडीएफ में यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला पीडीएफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, व्यू पीडीएफ, इस पर आपको चले जाना है। व्यू पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी पीडीएफ में दिखाया गया है कॉलेज का नाम, वो कॉलेज का ध्यान रखिए। पहले कॉलेज के बारे में जानिए, कॉलेज जो भी कॉलेज है उसके बारे में आप पहले समझिए, उसके बाद उसको फिल कीजिए। तो यहाँ पर समझ गए कि 100 कॉलेज बचा हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट में पीडीएफ में दिखाया गया है। तो यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो ये लिस्ट आया है, 14 तारीख से स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर 18 तारीख से लास्ट डेट दिया हुआ है मॉब राउंड के लिए, और बाकी यहाँ पर जो नियम है उस नियम को यहाँ पर बताया गया। अब यहाँ पर आपको कई लोगों को क्वेश्चन ये आ रहा था, सर इसमें एडिटिंग शुल्क लगेगा, जो लोग लॉक कर दिए हैं मतलब यहाँ पर उनका लॉक ओपन हो गया होगा। ठीक है, अगर आप चॉइस फिलिंग करके अगर लॉक कर दिए होंगे तब उसको एडिट करने के लिए यहाँ पर आपका 1000 रुपए चार्ज रहेगा। जो लोग लॉक कर दिए हैं उन लोग के लिए यहाँ पर फीस लगेगा, मतलब वो एडिट करवा रहा है ना, तो एडिट करवाने के दौरान उनको लगेगा फीस। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट कॉलेज का सीट दिया है मॉब राउंड के लिए, यहाँ पर देखिए ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ पर सीट मैट्रिक्स बताया गया है 2000 यहाँ पर 23 के लिए। तो इससे पहले देखिए यहाँ पर 9 सीट बचा हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पर इसमें 9 सीट बचा हुआ है, इसमें 16 सीट बचा है, इसमें 13 सीट बचा है। तो इस प्रकार के यहाँ पर सीट मैट्रिक्स बताया गया है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो भी कॉलेज है अगर आप उसके लिए कैटेगरी क्वालिफाई है और उसमें सीट है, जैसे एसटी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो एसटी में यहाँ पर फीमेल का है एक है, और यहाँ पर देखिए 3 सीट क्या है इन सर्विस वाले हैं, 3 सीट यहाँ इन सर्विस वाले हैं, एक वाले हैं, एक इन सर्विस एससी में है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सीट को डिवाइड करके बताया गया है, यहाँ पर आप भर सकते हैं। इस प्रकार से चॉइस फिलिंग करना है आपको, सभी कॉलेजों को नहीं सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए इस कॉलेज को आप सेलेक्ट मत कीजिए, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कहाँ का दिया है, कबीर धाम का है, इसमें सेलेक्ट मत कीजिए क्योंकि इन सर्विस वाले हैं, केवल इन सर्विस वाले भरेंगे, और यहाँ पर एससी में एक फीमेल के लिए है, ये वाला भर सकते हैं यहाँ पर। तो ये सीट मैट्रिक्स इसीलिए बताया गया है ताकि आपको ये पता रहेगा कि इस जो कॉलेज है इस कॉलेज में कितने सीट बचे हैं और हम कैसे उस सीट में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है 100 सीट यहाँ पर दिया हुआ है, और सभी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर सीट भी नीचे जोड़ के बताया गया है टोटल करके। इस पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको दिया था आप सबके लिए, और इसको हो सके तो आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम में होगा,
लिंक वहां पर जुड़ भी सकते हैं और यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, आगे जो है प्राइवेट कॉलेज बताया गया, उसका सीट मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है और यहां पर कैटेगरी वाइज भी बताया गया। जैसे जनरल के लिए 9 क्लास के लिए यहां पर 3 सीट है, यहां पर 3 सीट है, यहां पर एससी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, यहां पर 9 क्लास के लिए यहां पर 4 सीट है, 3 सीट है, 2 सीट है, 1 सीट है, इस पर सबको जोड़ के यहाँ पर 18 सीट है। माइनॉरिटी वाले यहाँ पर नहीं दिया गया, इसमें माइनॉरिटी का सीट यहाँ पर नहीं दिया गया है, कॉलेज नहीं दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 13 सीट यहाँ पर माइनॉरिटी वाले दिए गए हैं, होली क्रॉस में यहाँ पर दिया गया है, जसपुर में आपका जो है डिस्ट्रिक्ट जसपुर में यहाँ पर आपका दिया है, ये माइनॉरिटी वाले हैं। तो ये हुई बात आप सबके लिए, एंड जो भी सीट है जहाँ कॉलेज का सीट है उसी में अप्लाई करें, अंजाद से कॉलेज डालने का प्रयास ना करें, नहीं तो इसीलिए आपका जो है फिर से बाद में एडिट करने के लिए आ जाएगा, तो एडिट करने के लिए आपको 1000 का फीस लगेगा चार्ज के रूप में पेनाल्टी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस प्रकार से यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है आप सबके लिए। कई लोगों का यहाँ पर इनवैलिड बता रहा है, इनवैलिड बता रहे हैं मतलब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी को भी डाल सकते हैं, अगर आपका यूजर नेम नहीं बना है तो जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उसी आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर डालिए। जो लोग जितने भी काउंसलिंग में भाग लिए हैं वो यहाँ पर स्टूडेंट लॉग इन कर सकते हैं वे, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, नीचे मोबाइल में जो पासवर्ड आया है उस पासवर्ड को यहाँ पर डालिएगा तो अपने आप लॉगिन हो जाएगा आपका। ध्यान से डालिए, इसको अच्छे से डालिए, आपका इनवैलिड नहीं बताएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए, और यहाँ पर रूल्स को पढ़ने के अनुसार दिया था, रूल्स ऑलरेडी आप जान चुके हैं, यहाँ पर नहीं जाना होगा तो विकी स्टडी वाले वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट किए हैं प्रकाश ने, यहाँ पर किया है कि नेक्स्ट ईयर ओबीसी वालों का सीट नहीं था फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज मोव ब्राउन को लिया गया था। देखिए पिछली बार का सीट मैट्रिक्स कुछ अलग था, ठीक है, इस बार का अलग है। यहाँ पर देख लीजिए सीट जो है कैटेगरी बटा हुआ है सभी कॉलेज का, किस कॉलेज में कितने सीट है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर चेक करें आप, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पिछली बार भी सीट अभी सीट मैट्रिक्स बना होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉलेज लिया जाता है, ठीक है। टोटल 100 सीट है गवर्नमेंट में और यहाँ पर इस प्रकार से सीट मैट्रिक्स दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजें। आगे है पूछे हैं कि जब मोव ब्राउन में सीट बचता ही नहीं है, मोव ब्राउन में सीट बचता है, यहाँ पर देखिए आपका 100 सीट दिखाई दे रहा है, ये जो गवर्नमेंट कॉलेज का सीट है, आप सभी कॉलेज में दिखाई दे रहा है कितना सीट है कितना बचा है, तो यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि मोव ब्राउन में सीट बचता ही नहीं है, आपको यहाँ पर स्ट्रेट राउंड तक ही सीट बचता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपका जो है 100 सीट बचा हुआ है, मोव ब्राउन में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। यहाँ पर आगे पूछे हैं विकास ने, यहाँ पर पूछा है कि गवर्नमेंट में कितने फीस होते हैं, इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एंड यहाँ पर आपका विकी स्टडी गूगल में सर्च करके पीडीएफ में देख सकते हैं, वहां पर मैं पूरा डिटेल बताया हूँ आप सबको। देखिए यहाँ पर गूगल में सर्च करना है विकी स्टडी और यहाँ पर देख सकते हैं सब चीज, गूगल में आपको यहाँ पर विकी स्टडी सर्च करना है और यहाँ पर जाके देखेंगे तो आपका फर्स्ट लव यहाँ पीडीएफ दिखाई जाए, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर जितने भी फीस स्ट्रक्चर के बारे में है वो सभी चीजें यहाँ पर जान सकते हैं, ठीक है, लिखा हुआ पूरा है और साथ में यहाँ पर सारी चीजें बताई गई है, तो यहाँ पर जाके देख सकते हैं। आगे है यहाँ पर हिमांशी जी ने कमेंट किया है, सर बीएससी नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, प्लीज बताइए क्या करें। देखिए रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होगा आपका जो है, एक बार रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल के साथ जुड़ गए अब उसी चीज को दोबारा ओपन नहीं किया जाएगा, उसके लिए टाइम दिया गया था 5-6 दिन और डेट भी बढ़ा दिया गया था रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन आपको पहले होता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट बनता है, मेरिट लिस्ट बनने के बाद उसमें से कम लोगों के लिए अलॉटमेंट लिस्ट जारी होता है, ठीक है। तो अलॉटमेंट लिस्ट कब जारी होता है, मेरिट लिस्ट आने के बाद। तो यहाँ पर सभी कैटेगरी सभी जो राउंड चलता है उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होता है, मेरिट लिस्ट एक बार स्टार्ट होता है उसके बाद क्या होता है अलॉटेड होता है, बस अलॉटेड होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस प्रकार से मोव ब्राउन स्टार्ट होता है, तीसरा राउंड मोव ब्राउन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर दोबारा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर लॉगिन करेंगे डायरेक्ट, आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो लॉगिन कीजिए डायरेक्ट। देखिए रजिस्ट्रेशन का एक टाइम होता है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है, उसी टाइम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप सबको, सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है सभी को, कॉलेज आए या फिर कॉलेज नहीं मिल रहा है आप सबको कोई दिक्कत नहीं है, हमें कम रैंक है या ज्यादा रैंक है हमें रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है काउंसलिंग में, सीजीडीएमए की वेबसाइट पर काउंसलिंग करना जरूरी है। आगे यहाँ पर कमेंट किए हैं माय स्टूडेंट लॉगिन सेज इनवैलिड इवन इफ आई ट्राई करेक्ट, इन्होंने करेक्ट चीजें डाल रहे हैं फिर भी इनवैलिड बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा या फिर आपने रजिस्ट्रेशन करने में कोई मतलब मिस्टेक किया होगा, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाता है प्रॉपरली मतलब अच्छे से तो आप यहाँ पर उसको डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, उसमें कोई इनवैलिड वगैरह बताएगा नहीं, अगर ऐसा बताएगा तो पहले ही रजिस्ट्रेशन इन्होंने होगा ही नहीं, अगर ऐसा रहता कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो पहले ही इनकार करता वो इनवैलिड पर ही नहीं बता देता,
अगर हो चुका है रजिस्ट्रेशन आईडी आपका बन चुका है तो डेफिनेटली लॉगिन होगा, वो लॉगिन आपका प्रॉब्लम कहीं पर आ रहा होगा इसीलिए, अदरवाइज आपका लॉगिन होगा। देखिए इसमें स्क्रूटनी नहीं कराना है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है आपका। एक बार हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अलॉट होता है उसके बाद स्क्रूटनी कराना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होना चाहिए और मोबाइल में जो पासवर्ड आया है वो पासवर्ड होना चाहिए, बस उसको लॉगिन कीजिए और चॉइस फिलिंग में जो है आपका जो कॉलेज है उसको फिर बदल कीजिए, जो भी बदलना है रखिए, नहीं रखना है यहाँ पर हटाइए कॉलेज को, ठीक है। इस प्रकार से बस चूज करना है और डायरेक्ट यहाँ पर लॉक कर देना है, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है मोव ग्राउंड में यहाँ पर, ठीक है। तो यही चीज है, बाकी अलॉट होगा उसके बाद स्क्रूटनी आपका आएगा वहां पर। देखिए यदि अगर मान लेते हैं किसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है और वहां पर जाकर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, वो गवर्नमेंट कॉलेज क्या होगा, निरस्त हो जाएगा। ऑलरेडी नियम में बताया गया है, आपने नियम पढ़ा होगा कि जिसमें जैसे आपका गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है उसमें एडमिशन लेना जरूरी है, एडमिशन नहीं लेंगे तो आपका कॉलेज काउंसिलिंग से रिजेक्ट हो जाएंगे आप, ठीक है। अगर आपका आईडी पासवर्ड बन गया है तो मोव ग्राउंड में अप्लाई कर सकते हैं आप। आपका अगर आईडी पासवर्ड बन गया है, रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, तो जिसका भी कॉलेज नहीं मिला है मतलब आप एडमिशन नहीं लिए हैं, तो यहाँ पर मोव ग्राउंड में आकर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर आप यहाँ पर आपके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपग्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर मतलब यहाँ पर आप लॉग कर सकते हैं सभी चीजों को। यहाँ पर बोल रहा आगे क्या प्राइवेट बीएससी नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। गवर्नमेंट देखिए गवर्नमेंट जॉब क्या रहता है, गवर्नमेंट जॉब में आपका जो है कॉम्पिटेटिव मांगा जाता है, एग्जाम होता है उससे पहले, कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा बोला जाता है उसे, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम देंगे, प्रतियोगी परीक्षा देंगे, तभी आपका सीट मतलब गवर्नमेंट कॉलेज जॉब लगेगा। ये वहां पर नहीं देखते हैं कि आप प्राइवेट से पढ़ के आए हैं, आप यहाँ पर गवर्नमेंट से पढ़ के आए हैं, ये नहीं देखते कि वहां पर आपने प्राइवेट से पढ़ के आए हैं, गवर्नमेंट से पढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज नहीं वहां पर होता है, सबसे पहले आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा नंबर लाते हैं, अच्छे रैंक लाते हैं, डेफिनेटली आपका जो है जॉब मिलेगा, ठीक है। ये उसमें मतलब अंतर नहीं है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज करे हैं तो नहीं होगा, प्राइवेट कॉलेज करे हैं तो होगा, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता। तो ये चीजें थी, बाकी सभी का सिमिलर क्वेश्चन है इस टाइप से, एंड और भी किसी का क्वेरी होगा कमेंट होगा तो कमेंट कीजिएगा नीचे। बाकी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी क्लासेस आएंगे ऐसे ही, और भी वीडियो आते रहेंगे, और प्रीवियस भी अगर आपको कुछ और जानना है डिटेल में तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं पिछले साल कैसे हुआ था।